Hello everyone, this is CS Divesh Gowla, practicing company secretary from Delhi. So today in this video, we are going to discuss a very important topic from the point of view of the statutory auditor of the company. The question is that whether an auditor can be appointed for a period less than 5 years. Recently in some seminars also I have discussed this question. So I have always received the different or mixed view of the profession on this question. So ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कितने टाइम के लिए होनी चाहिए. द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कवर अंडर सेक्शन 139 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड 139 सबसेक्शन 1 स्पेसिफिकली स्टेट्स अबाउट द टेन्योर ऑफ द ऑडिटर. सो मेनी टाइम प्रोफेशनल आस्क एंड मेनी टाइम देयर इज अ कंफ्यूजन वेदर एन ऑडिटर कैन बी अपॉइंट फॉर अ 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year. सो इन दिस वीडियो लेट मी क्लैरिफाई ऑन दैट. As I said, the auditor appointment is mentioned under 139 subsection 1. Section 139 specifically mentioned the auditor shall be appointed for a period from the first AGM till the 6th AGM of the company and thereafter till the conclusion of every 6th annual general meeting of the company. So, agar hum pura Companies Act dekh lena with rules, sections, circulars, पूरे कंपनीज एक्ट में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि ऑडिटर 5 साल के लिए अपॉइंट होगा या 4 साल के लिए या 2 साल के लिए या 1 साल के लिए. इसकी इंटरप्रिटेशन हमें 139(1) से ही लेनी पड़ेगी और 139(1) में भी कहीं ऐसा नहीं लिखा कि ऑडिटर 1 साल के लिए अपॉइंट होगा या 5 साल के लिए. वहां लिखा है ऑडिटर शैल बी अपॉइंट टिल द कंक्लूजन ऑफ द 6th AGM. अब जब भी अपॉइंट करोगे वहां से 6th AGM तक, फर्स्ट AGM में अपॉइंट कर रहे हो तो 6th AGM तक, 5th में अपॉइंट कर रहे हो तो 11th AGM तक, 7th में अपॉइंट कर रहे हो तो 13th AGM तक. तो जिस भी AGM में आप किसी स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट करते हो वहां से 6th AGM तक उसका टेन्योर होगा. सो अगर 139 की लिटरल इंटरप्रिटेशन पे जाते हैं तो वी कैन स्पेसिफिकली से कि एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए अपॉइंट हो ही नहीं सकता. द ऑडिटर कैन बी अपॉइंट ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ द 5 financial year. पूरे कंपनीज एक्ट में ऐसी दो सिचुएशन है जब ऑडिटर 5 साल से कम के लिए अपॉइंट हो सकता है, दैट इज ऑल्सो फॉर द 1 financial year. वो दो सिचुएशन है. सिचुएशन नंबर 1, व्हेन दिस इज द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी. जब हम फर्स्ट ऑडिटर कंपनी का अपॉइंट करते हैं आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, वो फर्स्ट AGM तक के लिए कंपनी का ऑडिटर होता है. सेकंड, ड्यू टू कैजुअल वैकेंसी ऑफ द ऑडिटर. अगर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द ऑडिटर अगर कोई कैजुअल वैकेंसी हो जाती है तो कैजुअल वैकेंसी के कारण जो ऑडिटर अपॉइंट होगा वो अप टू द AGM के लिए होता है. सो दिस आर द ओनली 2 situations जब ऑडिटर 1 साल के लिए अपॉइंट होता है. इसके अलावा पूरे कंपनीज एक्ट में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जब ऑडिटर 5 साल से कम के लिए अपॉइंट हो सकता है. सो बी क्लियर ऑन दिस पॉइंट. इवन कंपनी लॉ कमिटीज की जो रिपोर्ट है 2013 की, 2017 की, वहां भी गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर किया है कि ऑडिटर को 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट का राइट क्यों दिया गया है. सो प्लीज डोंट मेक अ मिस्टेक फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year to 4 year. अगर आप ऐसा करते हो तो 139 सबसेक्शन 1 का नॉन कंप्लायंस एंड कंपनी इज लायबल फॉर द पेनल्टी फॉर सच अ थिंग. सो डोंट मेक सच मिस्टेक ऑफ द ऑडिटर अपॉइंटमेंट. तो होप द प्रोविजन इज क्लियर. अगर किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.